अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं परी के किचन में आप सबके लिए लेकर आई हूँ बीफ पाए। बीफ पाए, मैंने एक बीफ पाए लिया है, ठीक है। इसमें हम प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सिर्फ नमक और हमने हल्दी डालनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज, उसके बाद जाएगा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद मैं डालती हूँ नमक, देखिए नमक, हल्दी। अब हम इसे आधे घंटे के लिए प्रेशर करेंगे। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ऐसे वर्स मैंने प्रेशर अपना हटा दिया है और ये देखें हमारा मेरे पाए गल चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। ये प्याज से रिवर्स हमने कढ़ाई लिया है, इसमें हम 2 कप ऑयल डालेंगे और अपने पाए इसमें सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। मैंने पाव पाए को जब प्रेशर कुकर में रखा था, सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज डाला था, मैंने और कोई मसाला नहीं डाला, क्योंकि मैंने पाव को अपने पाए को बड़े अच्छे से साफ़ कर लिया था सिरके और बेसन लगाकर। देखिए ऑयल हमारा जा चुका है 2 कप। अब हम पाए डालते हैं। अब हम इसमें पाए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पाए डाल के दिखाती हूँ। मैं प्याज से वर्स ये देखिए मैंने पाए फ्राई कर रही हूँ। 10 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज से वर्स ये रखे हैं, 10 मिनट मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले जाएंगे। सबसे पहले मैं 1 चम्मच सूख मिर्चों का लूँगी, देखिए सूख मिर्चों का जाएगा। उसके बाद मैं इसमें काली मिर्ची डालती हूँ 1/2 चम्मच, और जो मैंने घर में मसाले बनाए होते हैं वो मैं 1 चम्मच इसमें डालती हूँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा मैं इसमें पानी लगाऊंगी, थोड़ा सा बस 1 चम्मच, ये देखिए। दो मिनट तक हमने ये मसाले डाल के फ्राई करने हैं। 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दही। दही डाल के हम अच्छा सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। मैंने अपनी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करके दही डाली थी और उसको मैंने फ्राई कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने हरी मिर्ची काटी हुई है वो कट इसमें डालती हूँ। हमारी हरी मिर्ची भी चली गई। अब हम इसे अच्छा सा फ्राई करते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारे पाए बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। ये जो हमारी यखनी का ये पाए हमने किए थे, ये सारा पानी इसमें जाएगा और इसके अलावा मैं इसमें 2 ग्लास पानी और डालती हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने पानी डाल दिए हैं। मैंने 2 ग्लास नहीं डाले, 2 ग्लास 4 ग्लास डाले पानी के, और जो वो पाए से यखनी बची थी वो मैंने डाल दी है। अब हम इसे तकरीबन 25 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाते हैं। देखिए मेरे पैसे वर्स, अब मैं ढक्कन उठाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारे पाए का सालन रेडी हो चुका है। अब मैं 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके दम पे लगाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैं अपना ढक्कन उठाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारे बन गए हमारे बीफ पाए। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे से व्यूअर्स, हमारे बहुत मज़ेदार से स्पाइसी से बीफ पाए रेडी हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इसे अदरक से गार्निश कर सकते हैं, हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं। दरअसल मेरे पास अभी हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने गार्निश नहीं किया। आप इसके ऊपर हरा धनिया रख करें, गार्निश करें, बड़े मज़ेदार से लगेंगे और हमारे
बड़े मज़ेदार से बीफ पाई रेडी हो चुके हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ परी के किचन से। अल्लाह हाफिज़।